नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के सीताबर्डी से खापरी मेट्रो स्टेशन और सीताबर्डी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन दरमियान 26.5 किलोमीटर में मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है और शीघ्र ही 13.5 किलोमीटर मार्ग पर मेट्रो का संचालन शुरू होगा, जिनमें सीताबर्डी से प्रजापति नगर का 8.5 किलोमीटर और कस्तूजन पार्क मेट्रो स्टेशन से ऑटोमेटिव चौक मेट्रो स्टेशन तक 5 किलोमीटर का समावेश है। वर्ष 2022 के पहले दिन सीए रोड पर पहली बार मेट्रो ट्रेन वैष्णो देवी चौक मेट्रो स्टेशन से प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन के लिए ट्रस्ट रन के बतौर रवाना हुई। उल्लेखनीय है कि भौगोलिक दृष्टि से प्रजापति नगर स्टेशन का कार्य बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण रहा। काफी कम जगह होने से इस परिसर में काम करना आसान नहीं था। इसके बावजूद महा मेट्रो ने सभी परिस्थितियों को मात कर कार्य पूरा किया। महत्वपूर्ण यह है कि सीए मार्ग पर हाल ही में टेस्ट रन किया गया। कामठी मार्ग पर कार्य करना भी बेहद जटिल है, जिसे सावधानी पूर्वक पूर्ण किया जा रहा है। महा मेट्रो ने सभी चुनौतियों को मात कर कार्य पूर्ण करने में सफलता पाई है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों मार्गों पर मेट्रो रूट पर सीताबर्डी इंटरचेंज से वैष्णो देवी चौक मेट्रो स्टेशन दरमियान ट्रेन भारतीय रेल के ट्रैक के ऊपर से गुजर रही है। एक आनंद टॉकीज के समीप और दूसरी कामठी मार्ग पर गुरुद्वारा के समीप 4 स्तरीय परिवहन व्यवस्था की तरह गुजर रही है, जो कि देश में यह पहली बार निर्माण किया गया है। साथ ही सेंट्रल एवेन्यू मार्ग मेट्रो मार्ग पर कुल 9 स्टेशन हैं, जिनमें कॉटन मार्केट, नागपुर रेलवे स्टेशन, दोसर वैश्य चौक, अग्रसेन चौक, चितारोली, टेलीफोन एक्सचेंज चौक, अंबेडकर चौक, वैष्णो देवी चौक तथा प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन का समावेश है। पूर्व और पश्चिम नागपुर को जोड़ने वाले सेंट्रल एवेन्यू प्रमुख मार्ग है। उल्लेखनीय है कि नए साल में सीताबर्डी इंटरचेंज से प्रजापति नगर और सीताबर्डी इंटरचेंज से ऑटोमोटिव चौक तक यात्री सेवा शुरू करने का महा मेट्रो का लक्ष्य है और इसी के अंतर्गत ट्रायल रन की शुरुआत की जा रही है। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की रफ्तार न्यूनतम रहेगी। इस मार्ग पर सिग्नलिंग, OHE और ट्रैक का काम पूर्ण हो चुका है, जिससे ट्रायल रन की कड़ी आज जुड़ने जा रही है। कैंटिलीवर सीताबर्डी और कॉटन मार्केट स्टेशनों के बीच नागपुर मेट्रो की रिच 4 का हिस्सा है। यह महाराष्ट्र में सबसे 231.2 मीटर लंबा संतुलित कैंटिलीवर है और राज्य का अद्वितीय है। नागपुर जंक्शन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस तथ्य को देखते हुए रेल पटरियों पर मेट्रो पुल का निर्माण करना महा मेट्रो के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण नहीं, बेहद जोखिम भरा रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से एक और डबल डेकर मेट्रो और दूसरी ओर राष्ट्रीय महामार्ग का फ्लाईओवर निर्माण के बीच रास्ता निकालना मुश्किल भरा था। महा मेट्रो ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार कर फ्लाईओवर के पिलर का उपयोग मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए किया। पुराना पाड़ी नाका चौक बेहद व्यस्त होने से यहाँ काम करना सबसे बड़ी चुनौती थी। बिना आवागमन को प्रभावित किए चारों मार्ग पर यातायात जारी रहा और काम भी मेट्रो का चलता रहा। इस चौराहे से मेट्रो के निर्माण से नक्शा ही बदल गया है। यह प्रमुख चौराहा हाईवे से संलग्न है, वही सबसे बड़े कलमना मार्केट के आवागमन का मुख्य केंद्र है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।